बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडियाज। व्यूअर, आज की वीडियो में खुशामदीद और उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ और एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ हैं मलक कबीर भाई। मलक कबीर भाई का आइसक्रीम मशीन मैनुफैक्चरिंग के अंदर इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। पिछले साल भी हमने इनके साथ वीडियो एक बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह किसी कस्टमर ने कोई कंप्लेन नहीं की जी कबीर भाई तावन नहीं करते, या किसी मशीन के अंदर कोई मसला आ गया तो उन्होंने हेल्प नहीं की, तावन नहीं किया। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह और भी लोगों की वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोगों की शिकायत आ जाती हैं कि दोबारा कंप्रोमाइज़ वगैरह नहीं करते या बात नहीं सुनते, लेकिन कबीर भाई की तरफ से इस तरह का कोई इशू नहीं है। गर्मियों का जो सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है, तो गर्मियों के सीज़न के अंदर कौन आइसक्रीम की मशीन की इस आइटम की बड़ी डिमांड होती है? अगर मैं आपको कहूँ इस मशीन को आप ख़रीद कर गर्मियों का सीज़न लगाएं तो दो मशीनों के पैसे आप इजीली कमा सकते हैं। कबीर भाई, ऐसे ही है ये? बिल्कुल हाँ। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, इसकी जो डिटेल है वो हम कबीर भाई से लेंगे, मज़ीद जानेंगे मशीनों के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। लेकिन रनिंग में चलने वाला बिज़नेस है और अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, तो अब इस मशीन की मालूमात लेते हैं कबीर भाई से। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई जी। वालेकुम सलाम जी। चल कबीर भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक है मलका जी? बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या कबीर भाई, पहले भी आपकी वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया कस्टमर का भी, तो क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका नवीद साहब कि आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों की रहनमाई करने के लिए आते हैं। जी जी बिल्कुल। इस तरह आप अपना काम कर रहे हैं, हमारा भी चलता है बिल्कुल, लेकिन जो कस्टमर काफ़ी आते हैं तो देखते हैं जी किसी को पता नहीं चल रहा कि मशीनें किधर मिल रही हैं बिल्कुल, तो फिर उनको रास्ता मिल जाता बिल्कुल है, बिल्कुल किसी का रोजगार लग जाता बिल्कुल ऐसे ही। तो उस हवाले से जो भी आता है इंशाल्लाह, पहले भी आपने जो तावन किया है, वीडियो बनाई है, हमने लोगों के साथ तावन किया है, खिदमत भी हो रही है, काम भी हो रहा है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अकबीर भाई, अब अपने मॉडल के बारे में बताएं, आपके पास कौन कौन सी मशीनें जो हैं अवेलेबल हैं? मशीन के हवाले से जो पहले भी आए हैं आप जी, मशीन एक ही क्वालिटी की चल रही है आजकल, डबल फ्लेवर वाली, तीन हैंडल है जैसे ये। अच्छा, तीन हैंडल है ये चल रही है, डबल फ्लेवर वाली आइसक्रीम मशीन है। इसके अंदर उसका जो आप साइज़ बड़ा छोटा कर लेते हैं, अंदर के पार्ट्स तो वही होते हैं, तो कस्टमर को हम बता देते हैं जी आपने वो डिज़ाइन चेंज करना है तो फिर रेट भी बढ़ जाएगा। रेगुलर तो यही चल रही है जो रेगुलर यही चल रही है जी जी बिल्कुल, डबल फ्लेवर वाली, टोटली डबल फ्लेवर वाली, डबल सिंगल का तो उसमें नाम ही छोड़ दें, इसी की डिमांड है मार्केट में, ये चल जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी प्राइस के वाले से बता दें, कितनी प्राइस है इसकी? जी इसकी प्राइस जिस तरह पिछले साल थी वो तो कम थी, 30-35 से स्टार्ट थी, अभी 1,50,000 से स्टार्ट है सब, 1,50,000 1,70,000 1,90,000 इस तरह साइज बढ़ते जाते हैं, फिर वो जैसे ही रब्ता कस्टमर करता है फिर उसको डिटेल में सारी चीज़ें बताना पड़ती हैं, 1,50,000 से स्टार्ट हो जाए बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना ये इसके टंकी वगैरह का? टंकियों के अंदर जो साइज़ है इसका 15 लीटर तक मटेरियल आ जाता है। अगर किसी की डिमांड के हिसाब से अगर कोई बंदा कहता है जी बड़ी मशीन बना दें, तो हमारा काम है उसको बड़ी मशीन बनाते हैं, उसके अंदर जो ज़्यादा इजाफी पैसे होते हैं वो भी लोगों को बता देते हैं जी इसके अंदर ये इजाफी पैसे हैं, ठीक है, बस वो डिमांड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाए। रेगुलर जो चीज़ है वो हमारे पास जी ये मशीन है, ठीक है। अच्छा कबीर भाई, इसके बिज़नेस के हवाले से बताएं, मार्केट में डिमांड कैसी है आइसक्रीम की, प्रॉफिट मार्जिन है इस कारोबार के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्रॉफिट मार्जिन तो देखो मेरा तो अपना ज़ाती तजर्बा भी 20-22 साल हो गए हैं जी, आइसक्रीमें भी बेची हैं, सारा काम किया है, तो इसके तकरीबन 50% बचत है, 1,000 रुपया लगाओ दो कमा लो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बंदा जो गलत बयानी भी नहीं है और इजी काम है, सही ज़्यादा मशक्कत वाला भी नहीं है, कोई बूढ़ा बंदा भी आए, बूढ़ा बंदा भी कोई बैठ जाए मशीन लगा के तो चला सकता है, खवातीन भी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं बिल्कुल, खवातीन भी लगाएं जिनके मतलब के शॉप्स वगैरह अपनी बनी हुई है उसमें काम कर सकती है, कहीं गली में लेके अंदर कहीं भी होता है बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी के हवाले से जो बिजली की कंज्यूम करती है, ये बिजली सिंगल फेज पे चली जाती है, घर वाली बिजली पे चली जाती है जी? ये बिल्कुल सिंगल फेज पे चलती है जी, ठीक है, यानी कि कोई अलग से वो जो 3 फेज बनाते हैं मशीनें वो अलग है, वो पहले पता होता है जी ये 3 फेज मीटर पे चलेंगी, बाकी ये आम बिजली जो हमारी घरेलू सिंगल फेज है उसी पे चलती है। हाँ जी। अच्छा कबीर भाई, अब ये बताएं, अगर ये मिसाल को इसकी टैंकी है जी, जी इसके अंदर कितने का जो मटेरियल है, इसका रॉ मटेरियल वो कितने का तैयार होता है एक टैंकी के अंदर? अगर जिस तरह अभी महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो 1,000 रुपया लग जाए, 1,000 का मटेरियल आ जाए, 3,000 की सेल होती है एक टाइम में इस टैंकी के हिसाब से। अच्छा, इस टैंकी उसमें 1,500 खर्चा कर ले, 1,500 बचत हो जाती है, यानी कि बिजली वगैरह का खर्चा डाल दें, 1,000 का मटेरियल लगेगा, हाँ तो 1,500 का वगैरह छोटा मोटा सामान डाल के 1,500 50% बचे, 3,000 की उसकी सेल, 3,000 की सेल हो जाएगी। हाँ जी। इसके जो मटेरियल के अंदर कौन कौन से आइटम इस्तेमाल होती है? मटेरियल इसके अंदर ड्राई मिल्क है,
ड्राई मिलेगा और फूड कलर है, फ्लेवर है, ठीक है, बस यही चीज़। वो कहाँ से मिलते हैं? वो जी साहब हमारे पास शॉप है साथ में, ये साथ वाली दुकान में सारा, इसकी कप वगैरह, इसकी चमचे, टोटल मटेरियल हमारे पास, कलर वगैरह, मिल्क वगैरह, ड्राई मिल्क जो है वो आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है? टोटली मटेरियल हमारे पास है, और जो बंदा आता है जिसको नहीं पता उसको हम सिखा भी देते हैं। अच्छा, उसको नहीं समझ आ रही तो मटेरियल भी हमारे पास है ये साथ वाली दुकान पर, तो उसको सारा तरीका बताते हैं चलाने का, कि बजाय किसी और से पता करें हम पूरा उसको सिखा देते हैं। यानी कि अगर कोई मशीन लेता है, हाँ, आप उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, उसको समझा देंगे इसका मटेरियल कैसे बनाना है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, किसी किस्म के फिक्र की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हमारे पास आए हर तरह गाइड करेंगे। ठीक हो, तो वीवर ये मशीन के हवाले से कबीर भाई से डिटेल ली, मेरे ख्याल से सारे सवाल मेरे ख्याल कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप नंबर देंगे कबीर भाई का, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके कोई बात पूछना चाहे पूछ सकते हैं। रेट के हवाले से, मशीनों की क्वालिटी के हवाले से, इसके मटेरियल के हवाले से, मटेरियल भी अवेलेबल है, साफ शॉप है वो, वहाँ पर इसका सारा रॉ मटेरियल जो जिससे आइसक्रीम वगैरह तैयार होती है वो भी इनके पास अवेलेबल है। अगर वो भी किसी को चाहिए हो, कप वगैरह, मिल्क पाउडर वगैरह या कलर वगैरह, वो भी इनके पास अवेलेबल है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ शलैस मशीन भी होती है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी देखें जी जिस तरह ये मेरे पास ये मशीन पड़ी है, ये स्लश मशीन भी बनाते हैं। इसकी क्या प्राइस है? जो इसकी प्राइस 1,70,000 से शुरू होती है, 2,10,000 तक, दो ही साइज है जो सही चलते हैं, ठीक है, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो जो हम बना रहे हैं दो ही साइज़ है। ये स्लश मशीन है जी, ठीक है, नई चीज़ है, लाहौर में तो काफ़ी देर से चल रही है, बाकी दूसरे शहरों में जो है वो अभी कम है, वो आस्ता आस्ता लोगों को दिलचस्पी बढ़ रही है, नया ट्रेंड आ रहा है, तो इस ये भी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आइसक्रीम के साथ लोगों ने स्लश वाली लगाई हुई है, ठीक है, स्लश मशीन होती है ये जिस तरह जूस टाइप बनता है, जूस टाइप बनता है, ये आइस बनाएगी, ठीक है, 12-14 फ्लेवर होते हैं जी, तो उसके हिसाब से जैसे यानी कि आइस बनाएगी, उसके अंदर कलर वगैरह होंगे और टेस्ट होगा, मुख्तलिफ फ्लेवर होंगे, बिल्कुल, इसमें 12-14 की तरह उसको आप पी सकते हैं, इसको स्लश बोलते हैं जी, बिल्कुल सही। अच्छा कबीर भाई, लास्ट में हमारे व्यूअर को अपना एड्रेस बता दें, अगर कोई आना चाहता है, मिलना चाहता है आपसे। जी एड्रेस तो हमारा आपको मेंशन कर दें कार्ड पर, कार्ड देते हैं आपको, उस पर व्हाट्सअप नंबर भी देखें जी हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉल करने के लिए नंबर है व्हाट्सअप, लाहौर के अंदर बता दें आपका, लाहौर के अंदर आपने आना जी मुल्तान चुंगी, आगे फोन पर रब्ता कर ले बंदा तो सीधा ही आ जाता है, लाहौर मुल्तान चुंगी आ जाए, कॉन्टैक्ट कर लें, वो लोकेशन वगैरह सेंड जी, बिल्कुल ऐसे लाहौर के अंदर कबीर भाई का सेटअप है, आप विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर दें जी। हाँ तो व्यूअर, मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि नए बिजनेस आइडियाज़ भी आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए।